नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के डेट पर मनोज दे को कौन नहीं जानता। मनोज दे जो कि यूट्यूब के एक बहुत बड़े क्रिएटर है, 3 मिलियन से ज़्यादा उनके चैनल पर सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों उनको ऑडियंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो आज के डेट पर बहुत बड़े क्रिएटर बन चुके हैं। इसीलिए दोस्तों मेरे साथ एक घटना हुआ है जिसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाएगा मेरे थ्रू। दोस्तों 1 साल पहले की बात है, मैं पिछले 3 सालों से अपने YouTube पर काम कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं YouTube पर भी वीडियो बनाया करता था, फैक्ट रिलेटेड फैक्ट बताता था लोगों को। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको दोस्तों पता होगा कि मैं पहले एक चैनल पर फैक्ट की वीडियो बताया करता था, जिसका नाम था रतिन फैक्ट स्टार, बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों मेरा वो चैनल जो है एक दिन डिलीट हो गया, और जैसे डिलीट हुआ मेरे सालों भर का मेहनत जो था वो पूरा पानी में चला गया। मैंने मनोज दे के हर एक वीडियो पर कमेंट किया कि सर मैं क्या करूँ, मुझे क्या हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेल करते, क्या कुछ पता नहीं था। फिर दोस्तों मैंने यूट्यूब से सीखा कि कैसे मेल किया जाता है। मेल सीखने के बाद दोस्तों मैं जब मनोज दे है उन सर को बहुत सारा मेल किया दोस्तों, ताकि मुझे मेरा चैनल वापस मिल जाए, क्या करना चाहिए मुझे वो पता चल जाए, मुझे कुछ पता नहीं था। और दोस्तों बहुत सारे मेल करने के बावजूद भी मनोज सर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, और मेरा जो सब्सक्राइबर थे, मेरा जो चैनल था वो डिलीट हो गया, पर मैं कुछ भी कर नहीं पाया। मेरे सालों साल का मेहनत जो था वो पानी में चला गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों उन्होंने मेरी कोई भी मेल्स का रिप्लाई नहीं किया, कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनके पास बहुत सारे मेल कर चुका था, बहुत सारे कमेंट भी किया था, पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा चैनल डिलीट हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे सालों का मेहनत बर्बाद हो गया था। तब दोस्तों मैंने कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया था, वीडियो मैं नहीं बना रहा था। क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि दोस्तों मुझे पता चल गया था कि बड़े बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो हम जैसे क्रिएटर की ओर ध्यान नहीं देते, हमारे मेल्स को पढ़ते ही नहीं है, हमारे कमेंट को वो इग्नोर करते हैं, हमारे तरफ वो ध्यान ही नहीं देते। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैं समझ चुका था कि बड़े क्रिएटर हम छोटे क्रिएटर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैंने खुद कुछ दिनों का ब्रेक लेते हुए यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया। कई सारे वीडियो को देखा कि यूट्यूब में आखिर कैसे क्या किया जाता है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है, कैसे यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, और उससे यूट्यूब चैनल को जो डिलीट हो जाता है क्यों डिलीट हो जाता है, इन सारे बातों को दोस्तों मैंने बहुत दिनों तक सीखा। उसके बाद फिर मैंने एक नया चैनल बनाया जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, रतिन राय करके, और दोस्तों इस पर मैं बस आप लोगों को टेक रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ताकि दोस्तों आपको कुछ हेल्प हो जाए, ताकि आपका चैनल मेरे जैसे डिलीट ना हो, आप भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाओ। और दोस्तों मैंने यूट्यूब से इतना तो सीख लिया है कि दोस्तों मैं अपने चैनल को डिलीट होने से कम बचा सकता हूँ। डिलीट क्यों होता है उस काम को मैं करने से आपको रोक सकता हूँ। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूं, आपके हर एक मेल्स का रिप्लाई करूं, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं वो तो हमारे कमेंट को देखने का उनके पास टाइम ही नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपके साथ क्या परेशानी हो रहा है पर्सनली आपके साथ बात करके आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर आपको YouTube से रिलेटेड YouTube चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे थंबनेल लगाया जाता है, कैसे वायरल टैग को ढूंढा जाता है, कैसे दोस्तों Instagram ID बनाया जाता है, YouTube, Instagram, Facebook, ऐसे दोस्तों टेक्निकली आपके पास जो भी इश्यूज होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपके हर एक परेशानी को दूर करूंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं वो हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को परेशानी नहीं होता होगा या फिर हमें अपना चैनल ग्रो करना नहीं है, हमें भी अपना चैनल ग्रो करना है, हमें भी परेशानी आता है, बट जो जैसे दोस्तों हम अपने परेशानी को उन बड़े बड़े क्रिएटरों को बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक परेशानी का मैं सलूशन निकालूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, अपने मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका 100% उसका रिप्लाई करूंगा और आपको सलूशन दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।